यूनिट जो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बना है, आज उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, उसको भी लेके हमें एक साझा लड़ाई करना पड़ेगा। और मैं अपना एबीपी के जो साथी हैं जो बहुत बड़ा बड़ा बात करके अब गए सोशल जस्टिस इन लेटर एंड स्पिरिट, वो बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे सिर्फ लाइब्रेरी बनाने से आप सोशल जस्टिस का चैंपियन कभी नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा से मनु की औलाद रहेंगे और आगे भी आप मनु की औलाद ही रहेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि सोशल जस्टिस का एजेंडा अगर लेके जाना है तो हमें अम्बेडकर, फुले और पेरियार इस तरीके का थॉट्स को अपने करिकुलम में इंक्लूड करना पड़ेगा। जिस तरीके से पीसी जोशी आर्काइव है उसी तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक आर्काइव होना पड़ेगा इस कैंपस में। और अंत में सोशल जस्टिस अगर एजेंडा हम बात करते हैं तो हम हमारे साथी रोहित बेमुला को नहीं भूल सकते हैं। उनका जो स्ट्रगल्स है उसका एक कल्मिनेशन होगा वो रोहित एक्ट में होगा। इसलिए जो अगला जेएनयू स्टूडेंट यूनियन आए वो रोहित एक्ट को लेके एक डेलिब्रेशन करे, बहुत सारा डिबेट होगा। लेकिन सोशल जस्टिस का जो परिभाषा है हम अपना सीख गुजरात से लेते हैं, ऊना के दलित आंदोलन से लेते हैं कि किस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट और मोदी सरकार के ऊपर एक तमाचा मार के वो आज बोल रहे हैं कि भैंस की पूंछ आप रखो हमें हमारी जमीन दे दो। इसी तरीके से इनसे सीख लेते हुए हम अपना सोशल जस्टिस का एजेंडा को इस कैंपस में आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया। BSF opposes self-determination of Kashmir. If you oppose Kashmiri's right to self-rule, how is BSF different from parliamentary left? Friends and comrades, कश्मीर में पिछले एक महीने से ज्यादा जिस तरीके का स्टेट रिप्रेशन हो रहा है, आई थिंक इन अनइक्विवोकल टर्म्स BSF के तरफ से हम उसको कंडेम करना चाहते हैं। इस कैंपस में भी हम लेफ्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करते हैं। हम हमारा पोजीशन के थ्रू इस कैंपस में हमने एक पब्लिक मीटिंग किया था, हमने मोबिलाइज किया था ओपिनियन कि अगर कश्मीर में जो हो रहा है, जो स्टेट रिप्रेशन हो रहा है वो एक गलत चीज हो रहा है। एबीपी के लोग जो बोलते हैं कश्मीर हमारा है, पूरा हमारा है, लेकिन वो सिर्फ एक जमीन की तरह उसको देखते हैं, सिर्फ एक टेरिटरी की तरह देखते हैं। लेकिन हमें लगता है ये जो शोविनिस्टिक नेशनलिज्म है, ये जो जिंदोइस्टिक नेशनलिज्म है, उसको खारिज करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि स्टेट रिप्रेशन हो रहा है। इसके साथ साथ हमें ये भी बोलना पड़ेगा टेरर भी हम अपोज करते हैं। और हमारा पोजीशन है एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि नो टू स्टेट रिप्रेशन, नो टू टेरर। इसी पोजीशन के साथ शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।